नमस्कार, मैं हूँ रश्मि सक्सेना और आप देख रहे हैं यूपी न्यूज टुडे नेटवर्क। स्वागत है आपका हमारे स्पेशल प्रोग्राम बरेली न्यूज बुलेटिन में। तो आइए डालते हैं एक नजर आज की कुछ खास खबरों पर। भूजल संरक्षण के प्रयासों में तेजी लाए मुख्यमंत्री। सीबीएसई 10वीं व 12वीं का रिजल्ट घोषित, लड़कियों ने मारी बाजी। बरेली मंडल का बाढ़ का अलर्ट, बरेली बदायूं पीलीभीत में बढ़ा खतरा। अवैध रूप से संचालित स्विमिंग पूल पर चला प्रशासन का डंडा। ससुरालियों को फंसाना था, बाप को मार दी गोली। बरेली की शख्सियत चुन्ना मियां, कौमी एकता की मिसाल। भूजल संरक्षण के प्रयासों में तेजी लाएं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भूजल दोहन के साथ जल संरक्षण की जरूरत पर जोर दिया है। सीएम योगी ने कहा कि पर्याप्त जल संसाधन होने के बाद भी भूगर्भ जल संरक्षण में लापरवाही बरती गई और इसका खामियाजा भुगतना पड़ा है। मुख्यमंत्री लखनऊ में आयोजित भूजल सप्ताह कार्यक्रम में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि जल संरक्षण और जल प्रबंधन के बारे में पीएम मोदी के विजन को यूपी सरकार आगे बढ़ा रही है। आजादी के अमृत महोत्सव के क्रम में राज्य के अंदर तेजी से अमृत सरोवर तैयार कराए जा रहे हैं। प्रदेश में जल संरक्षण अभियान के अच्छे परिणाम भी सामने आए हैं। जिन ब्लॉकों में भूजल स्तर नीचे जाने की वजह से हालात क्रिटिकल थे, वहाँ के हालात अब सुधर रहे हैं। ग्रामीण हो या शहरी क्षेत्र, दोनों में कार्य स्वतःस्फूर्त भाव के साथ होता हुआ दिखाई दिया। प्रदेश सरकार ने रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए एक विशेष व्यवस्था दी शहरी क्षेत्रों में, अगर एक निश्चित। सीबीएसई बोर्ड 10वीं व 12वीं का रिजल्ट आज घोषित हो गया है। सीबीएसई 10वीं के एग्जाम में बरेली की गार्गी पटेल ने इंडिया टॉप किया है। गार्गी पटेल बरेली के एसआर इंटरनेशनल स्कूल की छात्रा हैं। 10वीं की टॉपर गार्गी पटेल ने अपनी इस उपलब्धि का श्रेय अपने टीचर्स और पेरेंट्स को दिया है। वहीं 12वीं में बुलंदशहर की रहने वाली तान्या सिंह और नोएडा की युवाक्षी विंग ने 12वीं ऑल इंडिया टॉप किया है। 500 में से 500 नंबर हासिल किए हैं। तान्या बुलंदशहर के दिल्ली पब्लिक स्कूल डीपीएस की स्टूडेंट है। नोएडा में युवाक्षी एमिटी स्कूल की छात्रा है। तान्या ने कहा, मुझे सबसे ज्यादा टीचर का सपोर्ट मिला है। स्कूल से हम लोगों को बहुत सारे असाइनमेंट मिले जो बहुत यूजफुल रहे, उसी की वजह से मैं टॉप कर पाई। नमस्कार, मैं कशिश भदौरिया और आप देख रहे हैं न्यूज टुडे नेटवर्क। आज 10th और 12th सीबीएसई का रिजल्ट आ चुका है और हमारे साथ जीआरएम की 10th टॉपर मौजूद है। इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मानसी जैन। मानसी, कितने मार्क्स, कितने परसेंटेज आए हैं? 99.6 आए हैं। ओके, तो क्या किसका क्रेडिट देंगे आप इसको? क्रेडिट फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन सब और मेरे मामा, उनसे मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिलती है पढ़ाई को लेकर। सब क्या है अब आपका एम ऑफ लाइफ, क्या बनना चाहती हैं आप? अभी एम यही है, मुझे आईएएस मतलब सिविल सर्विसेज में परस्यू करना है, तो उसके लिए आगे देखूंगी। कितने मार्क्स आए हैं गार्गी आपके? मेरे 100% मार्क्स आए हैं सर। सो इसका क्रेडिट आप किसको देना चाहेंगी? इसका क्रेडिट फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपने पेरेंट्स और अपनी फैमिली को देना चाहूँगी, जो हर मुकाम पे मेरे साथ थे, मेरा सपोर्ट कर रहे थे। फिर मैं एमडी मैम, प्रिंसिपल सर, डायरेक्टर सर और अपने सारे टीचर्स को भी इसका क्रेडिट देना चाहूँगी, बिकॉज उनके बिना, उनकी मेहनत के बिना ये सब पॉसिबल नहीं था। पहाड़ों के साथ मैदान में लगातार जारी बारिश की वजह से यूपी में नदियां उफान पर आ गई हैं। रोहिलखंड में गंगा, शारदा, रामगंगा व दूसरी सहायक नदियों के जलस्तर में तेजी से बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। बदायूं में गंगा, बरेली में रामगंगा और पीलीभीत में शारदा नदी खतरे के निशान की ओर बढ़ रही है। तटीय इलाकों में बाढ़ की आशंका के चलते मंडल के सभी जिलों में प्रशासन ने आपात अलर्ट जारी किया है। बाढ़ चौकियों पर बचाव टीमें मुस्तैद हैं और हालात की दिन रात निगरानी कर रही हैं। बरेली में रामगंगा का स्तर खतरे के निशान की ओर बढ़ता देख प्रशासन ने राहत एवं बचाव कार्य का अभ्यास भी शुरू कर दिया है। ये जैसा कि हम लोग जानते हैं कि प्रत्येक वर्ष मानसून के आने के बाद कभी कभी बाढ़ की काफ़ी विकराल स्थिति उत्पन्न हो जाती है, तो उसके लिए पहले से ही बाढ़ बचाव एवं राहत के लिए उपाय किए जाते हैं। आज जो ये मॉक ड्रिल हुआ रामगंगा नदी किनारे, ये जो चौबारी गांव है, ये उसी के क्रम में हुआ है कि अगर भविष्य में आपदा आती है, बाढ़ के रूप में आती है। बरेली थाना अम्बाला में कुछ दिन पहले अवैध रूप से संचालित स्विमिंग पूल में डूबकर एक बच्चे की मौत हो गई थी। उसके बाद अभी हाल ही में नवाबगंज में भी ऐसा ही मामला सामने आया। दोनों ही मामलों में मौत हो जाने के बाद परिवार वालों ने स्विमिंग पूल के मालिक के खिलाफ पुलिस में तहरीर दे दी। इसी मामले को लेकर बरेली के डीएम ने सख्त रुख अपनाया है। बरेली जिले में चल रहे सभी अवैध स्विमिंग पूल पर प्रशासन का डंडा चला है। वहीं डीएम बरेली का कहना है कि अब कोई भी अवैध रूप से स्विमिंग पूल को चलाते हुए अगर मिला तो सख्त कार्रवाई की जाएगी, साथ ही कोई हादसा हो जाने के बाद स्विमिंग पूल मालिक के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। देखिए, स्विमिंग पूल यहाँ पर किसी ने अनुमति लेकर नहीं प्रारंभ किया है और जो भी स्विमिंग पूल चल रहे हैं सब अवैध हैं,
उसकी हम जांच करा रहे हैं लगातार, संबंधित उप जिलाधिकारी और भूगर्भ जल के हमारे जो अधिकारी हैं वो संयुक्त रूप से काम कर रहे हैं। भूगर्भ जल अधिनियम 2019 के प्रावधानों के अनुसार कोई भी भूगर्भ जल का उपयोग व्यावसायिक वाणिज्यिक प्रयोग के लिए बिना अनुमति के नहीं कर सकता, और ऐसे लोग जो बिना अनुमति के स्विमिंग पूल चला रहे हैं उनके विरुद्ध कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी, उन्हें सचेत किया जाएगा, बंद कराया जाएगा, नहीं और उसको अनुपालन करेंगे तो उनके खिलाफ़ आपराधिक मुकदमे भी दर्ज होंगे। और कहीं भी अगर कोई घटना होती है किसी स्विमिंग पूल में जो अनधिकृत रूप से चल रहा है, उसमें किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है, किसी बच्चे की मृत्यु होती है, तो उसकी संपूर्ण जिम्मेदारी। बरेली में दहेज प्रताड़ित पत्नी के मायके वालों को फंसाने के लिए शातिर दिमाग युवक ने ऐसे साजिश रच डाली कि पुलिस सन रह गई। पिता को गोली मारकर उसने ससुरालियों पर कातिलाना हमले की रिपोर्ट दर्ज करा दी। पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि हाफिजगंज क्षेत्र के गांव गजराजपुर निवासी कपिल व उसके घर वालों के खिलाफ पत्नी ने दूसरे थाने में दहेज उत्पीड़न का केस दर्ज कराया था। ससुरालियों को झूठे केस में फंसाने के लिए कपिल ने अपने पिता के हाथ में गोली मार दी और ससुरालियों पर आरोप लगा दिया, मगर जांच में भेद खुल गया। पुलिस ने गोलीकांड की फर्जी कहानी की बनाने के मामले में आरोपी कपिल को गिरफ्तार कर लिया है। साजिश में शामिल उसके पिता का फिलहाल अस्पताल में इलाज चल रहा है। थाना क्षेत्र हाफिजगंज के ग्राम गजराजपुर के रहने वाले लाल बहादुर ने थाने पर यह सूचना दी थी कि तीन व्यक्तियों ने उनके ऊपर फायर किया, जो फायर उनके हाथ में लगा उनमें से एक व्यक्ति के द्वारा फायर किया गया और दो व्यक्ति के हाथ में तलवार थी। उनकी सूचना पर थाना हाफिजगंज में 307 IPC का मुकदमा पंजीकृत किया गया था। इन्वेस्टिगेशन से ये बात प्रकाश में आई कि जिन तीन लोगों को इस मुकदमे में उन्होंने नामजद किया था वो उनके बेटे के ससुराली जन थे, और जिन्होंने दहेज उत्पीड़न के संदर्भ में दूसरे थाना क्षेत्र में एक मुकदमा पिछले वर्ष इन लोगों के ऊपर ऑलरेडी लिखाया था, और इन लोगों ने जानबूझकर इस मुकदमे में अपने ससुराली जनों को फंसाने के लिए बेटे ने अपने पिता के साथ जो है उसके हाथ में गोली मार के उक्त घटना को अंजाम दिया था। इस संदर्भ में जो मजरूप वादी हैं उनको जिला अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है, बाकी जो जो उनका बेटा है उसको गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। आज हम आपको बता रहे हैं बरेली की एक खास शख्सियत के बारे में जिनका नाम है चुन्ना मियां। चुन्ना मियां को बरेली में हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल कायम करने वाली शख्सियत के तौर पर जाना जाता है। बरेली में सेठ फजलपुर रहमान उर्फ चुन्ना मियां ने अमन और सौहार्द का पैगाम देने के लिए शहर के कटरा मानसराय में वर्ष 1960 में लक्ष्मी नारायण का मंदिर स्थापित किया था। बरेली ही नहीं देश में इस मंदिर को चुन्ना मियां के नाम से जाना जाता है। उन्होंने मंदिर को जमीन देने के साथ ही निर्माण कराया। आज भी बरेली के कटरा मानसराय में स्थित लक्ष्मी नारायण मंदिर को चुन्ना मियां के मंदिर के नाम से जाना जाता है। बरेली की खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए यूपी न्यूज़ टुडे नेटवर्क। ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए देखते रहिए न्यूज़ टुडे नेटवर्क और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।